उसे केजीएफ भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था केजीएफ पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था, इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की। लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से तीन कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। डोंट टच मी। रीना, तुम यहां कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए हैं। कौन है वो? मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इश्यू। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस I don't like. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. आपको देखने के लिए कोई आया है? Not now, Arijit. No more appointments for today. Madam, it's Rocky. Hi, I am Jimmy Carter. I am the CEO of Delver Steel Texas. Samson, I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? इंडिया।
सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक दिन चुकोगे और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही।